ये खुलासा है उस घोटाले का, जिसका ताना बाना सरकार के नाक के नीचे ना केवल बुना गया बल्कि उसे बड़ी ही खूबसूरती के साथ अंजाम तक पहुंचाया गया। सरकारी खजाना सालों तक लूटा गया और सरकार को कानों कान खबर तक नहीं हुई। ये खुलासा है सच को दबाने वालों का, ये खुलासा है सच को नोचने वालों का, ये खुलासा है सच को खरीदने वालों का। स्टिंगबाज और एएमएच न्यूज एक साझा स्टिंग ऑपरेशन में बेपर्दा करने जा रहा है एक बड़े खेल को, यह है ऑपरेशन लुटेरे। स्टिंगबाज और एएमएच न्यूज को खबर मिली थी कि एक पंचायत के अंदर भारी मात्रा में सरकारी सीमेंट न केवल बेचा जा रहा है बल्कि खरीदा भी जा रहा है। जगह हिमाचल प्रदेश, जिला सिरमौर, पांवटा साहिब का भरली गांव, पंचायत शिवा। हमारे अंडरकवर रिपोर्टर फर्जी सीमेंट ग्राहक बनकर भरली गांव में दाखिल होते हैं। दरअसल हम सच जानना चाहते थे। नाम विद्या चौहान, पेशा भरली गांव की वार्ड सदस्य। वैसे इस नाम के बिना हमारी ये जांच अधूरी है। अब मिलिए किरदार नंबर दो से। नाम रामलाल चौहान, पेशा सरकारी सीमेंट को बेचना। वैसे ये जनाब इस पूरे खेल के मास्टरमाइंड है, ये हम नहीं कहते बल्कि ये इनका खुद का कहना है। रिश्ता ये बोर्ड मेंबर के पति है। अब एक एक करके ये चेहरे अपने चेहरे से नकाब उतारेंगे। हमारे पत्रकार ने कहा कि हम घर बनाने के लिए सरकारी सीमेंट खरीदना चाहते हैं। जवाब सुनिए। थोड़ा बहुत मिले, कुछ भी मिले, खाना नहीं मगर थोड़ा बहुत मिल जाए ना। हमारा सवाल दागते ही सरकारी खजाना कैसे लूटा जाता है, ये थ्योरी भी हमें समझाने की पूरी कोशिश की गई। वैसे हमने ये थ्योरी समझ ली, अब आप भी समझ लीजिए। आप ही बताएं, आप ही दोपहर तक नहीं डाले थे मटर, थक गया था दिन। अच्छा, फिर रात के कागज बनाया तो मीटिंग हो गया, 8 कमर मीटिंग हो। वार्ड मेंबर खुद समझा रही है कि सीमेंट पर सरकारी मोहर लगी है जिसे बेचा नहीं जा सकता, लेकिन साथ में ये भी कहा जा रहा है कि वो 35 सीमेंट के बैग देने के लिए तैयार है। इससे पहले भी वो सीमेंट बेच चुके हैं। ये सीमेंट कैसे बेचा जाता है, सरकार के आंखों में कैसे धूल झोंकी जाती है, अब ये भी जान लीजिए। लेंटर के लिए मिल जाए। आप कहते हैं कि और फिर जाएंगे उनके भोसी लोग रात के लिए। मैं तो ना तो तो रहा है। अच्छा, तू तोड़ करती है तो वहां बाहर है। गाड़ी हम बेच देंगे ना अपनी छोटी, दो गाड़ी कर लेना, हम एक गाड़ी उधर से उधर रख लेंगे अपने पास उतनी 40-50। कितना ले रहे हैं आप? तो रहेगा तो वो तो रहे वाला ना 300। कौन से वाला है? कौन सा सीमेंट? वो तो महंगा है, वो है अंबुजा। कितना करेंगे? पानी की हो अंबुजा, क्या रेट होगा अंबुजा वाले का? ना ना, अंबुजा 380 होगा दुकान पे। वहाँ का हमारे 300, गाड़ी का किराया लगा कर 300। गाड़ी हम भेज देंगे वहाँ पे अपने पास, हमारे पास है गाड़ी, है छोटा सा कट जाता है ना 300 नीचे कट जाता है। तो फिर गाठा खाना पड़ता है ना, ब्लैक का माल। हाँ हाँ, ब्लैक का तो फिर उस पर लिखा होता नहीं है कुछ की सरकारी है ऐसा।
लिखा होता उसे मोहर लगी हुई है तभी तो बचा के लाना पड़ेगा फिर तो बोरिया में बोरियंबर लेंगे ना। अरे काटा फंस गया वो भी फंसेगा राम दे। वार्ड मेंबर के पति बता रहे हैं कि सरकारी सीमेंट बेचना गुनाह है, लेकिन उसके बाद ये भी बता रहे हैं कि इससे पहले वो सीमेंट बेच चुके हैं, सीमेंट बेचने के लिए वो अब भी तैयार है। हैरानी है तो इस बात की कि पति पत्नी सरकारी सीमेंट की होम डिलीवरी तक देने के लिए तैयार है, वो भी एक लॉट में 20 बैग। हाँ थोड़ा महंगा हो, सीमेंट भी बढ़िया आता है ना, ये सरकारी सीमेंट जो होता है ना बढ़िया आता है। थोड़ा छुपा के रखना पड़ता है, ये मोर लगे होते हैं, मोर होती है सरकारी टेस्ट करवा सी मोर मोर होती है ना इसके टेस्ट की। तो इधर पंचायत कुंजत वाले सारे ऐसी छुपा छुपा के करते हैं ब्लैक में। कितना चाहिए आपको? मुझे चाहिए जी कम से कम अभी तो 50 कट्टे मिल जाए ना। 50 कट्टे दे सकते ना, फिर काम भी करना ना, तो दो तीन बार दे देना ना जी। ऐसा है 20-20 कट्टे तो हो जाता है ना, 20-20 में ठीक है, मेरा काम चलता रहेगा, जब खत्म हो जाएंगे और ले लेंगे। क्यों कट्टा नहीं दे सकते, फिर आगे काम तो दिखाना पड़ेगा। हमारी अभी तक की जांच में साफ था कि सरकारी सीमेंट सरेआम बेचा जा रहा है और इससे पहले भी बेचा गया है। नाम निकेश चौहान उर्फ निकू, पेशा ये वार्ड मेंबर के पुत्र है, पंचायत का सारा काम यही देखते हैं। हमारे खुलासे में ये किरदार अहम है। सवाल है जब पंचायत में कोई भी गड़बड़ी हुई ही नहीं, कोई घोटाला हुआ ही नहीं, तो फिर किस बात का डर है? जब हमने पक्ष जानना चाहा तो हमारी ईमानदारी की कीमत लगाई गई, हमारे सामने पैसों की पेशकश की गई जिसे हमने सिरे से नकार दिया। सच को खरीदने की हर नामुमकिन कोशिश की गई, हमें हर तरह का लालच दिया गया जिसे हमने सिरे से खारिज कर दिया। बिल्कुल सर, ये बात तो सही है आपकी। कई तरह का दबाव, कई तरह की धमकी मिलने के बाद हमने सच्ची और निडर पत्रकारिता का निर्वाह करते हुए आपके सामने सच रख दिया। वहीं एसडीएम पावटा साहिब ने भी साफ कर दिया कि मामला गंभीर है, कार्रवाई जरूर होगी। वीडियो पावटा साहिब ने भी साफ कर दिया कि जल्द वीडियो ऑफिस की तरफ से भी एक बड़ा एक्शन लिया जाएगा। अब सवाल उठता है उस सिस्टम पर जिसके नाक के नीचे ये बड़ा खेल चल रहा था। प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि सख्त कार्रवाई होगी, उम्मीद पर दुनिया कायम है, लिहाजा आपको भी उम्मीद करनी चाहिए। उम्मीद ये कि इस भ्रष्टाचार में शामिल चेहरे आज नहीं तो कल आपके सामने बेपर्दा होंगे। स्ट्रिंगबाज और एएमएच न्यूज के लिए पावटा साहिब से मंजीत सिंह के साथ नरेंद्र सैन की रिपोर्ट।